लेकिन तुमने गलत किया रिया, बहुत गलत किया। मुझे उम्मीद नहीं था तुमसे कि वो भी जा रहे हैं, शेखर को कॉल करते हैं, देखते हैं कि तुम बच गई, वरना भैया तुमको बहुत गंदा गंदा गाली देता। एक टाइम के लिए मैं डर गया यार, क्योंकि ऐसे फ्रॉड कॉल हमेशा आते रहते हैं। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मारे इस प्यारे से व्लॉग वीडियो में। तो अभी मेरे मन में एक मस्ती सूझा है, यानी प्रैंक सूझा है। प्रैंक मीन्स क्या, हम ऐसे बैठे बैठे तो मेरे को ध्यान आया है कि शेखर के साथ एक प्रैंक कॉल किया जाए, देखते हैं वो मेरा आवाज़ पहचान। पता नहीं, मेरे को तो जैसा लग रहा है कि मेरा आवाज़ पहचान जाएंगे, तो अब देखते हैं आगे चल के कि मेरा आवाज़ पहचान पाते हैं कि नहीं। तो चलिए उनको कॉल करते हैं। दीदी, तो अभी जा रहे हैं, शेखर को कॉल करते हैं, देखते हैं कि आवाज़ पकड़ पा, मेरे को लग रहा है आवाज़ पकड़ लेगा। कॉल भी नहीं लग रहा। ये दी किधर आता है ये फिर से? हम बोल ही नहीं पा रहे, हमको हंसी आ रहा है। हेलो जी सर, मैं BOI बैंक से बोल रही हूँ, बैंक ऑफ इंडिया बैंक से। सर, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था ना? नहीं तो बताना चाह रही थी सर, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है, तो आप प्लीज आकर बैंक से कलेक्ट कर लीजिए। मैंने अप्लाई किया ही नहीं, तो कैसे हो गया? सर, आपके द्वारा तो अप्लाई किया हुआ यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैम, अभी मैं कोलकाता में हूँ, एग्जैक्टली ब्रांच पहुंच नहीं पाऊंगा। सर, आपका KYC भी जो है ना, वो अपडेट नहीं है, तो हो सकता है अगर आप 1-2 महीना के अंदर अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है मैम, हम बैंक आके करवा लेंगे। ठीक है मैम। सर, वो अभी आपको 1 सप्ताह के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है मैम, हम 1 सप्ताह के अंदर आके कर लेंगे मैम। ठीक है मैम। तो सर, आपका क्रेडिट कार्ड का क्या करना है फिर? आपका ये वापस कर दिया हमने क्रेडिट कार्ड? मैम, मैं बैंक आपसे बात कर लूँगा। और कुछ सेवा कर सकते हैं मैम आपका? ठीक है सर, थैंक यू। कंपनी के नंबर से कॉल आ रहा है, अभी क्या बोले? पहले सोच लो क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? फिर और करना। फिर से बैंक से कॉल करते हैं। आपका नाम पर चेक बाउंस हुआ है। कॉल आया था, एक ही बैंक का सब आएगा कॉल, एक ही नंबर से। हेलो सर, आपको और एक जानकारी देना चाह रही थी कि आपका एक HDFC का लोन चल रहा था, वो आपका एक EMI बाकी था, वो बाउंस हो गया है। बाउंस हुआ है आपका एक EMI। हमें यहाँ सिस्टम में आपका शो कर रहा था कि आपका एक HDFC से लोन चल रहा था जिसका EMI आपने नहीं पे किया है, तो हमारा जो बाउंस चार्ज है, मैं बताना चाह रही थी कि बाउंस चार्ज जो 472 रुपीज हमारा लगता है, वो आपका 3 बार बाउंस हुआ है, तो आपका 1500 लगभग ओवर ड्यू है बैंक में, तो प्लीज आकर उसको जमा कर दीजिए। तो
आज मेरे साथ प्रैंक होते होते रह गया। रिया हमको कॉल की, और मतलब अपने ऑफिस के नंबर से कॉल की हमको, शायद आपका ये क्या बोलते हैं बैंक में ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं सर। एक टाइम के लिए मैं डर गया यार, क्योंकि ऐसे फ्रॉड कॉल हमेशा आते रहते हैं, है ना भाभी। तो हमको लगा जेन्युइन हो सकता है, उसने आवाज़ चेंज करके बोला, तो हम सोचे कि ऐसा हो भी सकता। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई तो नहीं किया भाई, तो कैसे आ सकता बिना अप्लाई किए, बोले आके आपको बैंक में कलेक्ट करना है। उसने बोला ऐसे मुझे, तब बोला मैंने ठीक है चलो भाई ऐसा बात है। बोले ठीक है, और कोई सेवा कर सकते हैं मैम आपका। तो हम समझ गए कि फ्रॉड कॉल है, तो हम काट दिए। मुझे नहीं पता था कि हाँ कि रिया कॉल की है। फिर उसने थोड़ी देर बाद कॉल किया, मैं डर से कॉल भी कर दिया कि मतलब बैंक में एक मेरा बंदा जान पहचान के हैं, तो उनको मैंने कॉल करके पूछा कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं फ्रॉड है, ये सब मत करो, मत बोलना कुछ। तो मेरा सन का फिर उसने कॉल किया, तो मैंने उसको, मैं भैया बोलते लाओ हम बात करते हैं, उसको गाली देते हैं। भैया जैसे ही गाली देने वाला था वैसी समझ गया भैया, पकड़ लिया उसको कि तुम रिया बोल रही हो, रिया बोल रही हो। उस पूरा दांत खिसड़ रही हो उधर से फ़ोन काट काट के। हमको इतना हंसी लग रहा था कि हम क्या बताएं। तो यही सब ड्रामा उसका चला, थोड़ा सा प्रैंक व्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेट पोपट उसी के साथ हो गया, मेरे साथ नहीं। और चलो जैसा भी हो, जैसा भी हो, हमको क्या है, हम तो बच गए, वरना वो सोचे कि प्रैंक करेंगे तो ये चीज़। लेकिन तुमने गलत किया रिया, बहुत गलत किया। मुझे उम्मीद नहीं था तुमसे कि तुम ऐसा प्रैंक करोगी और पकड़ ही जाओगी। तुम बच गई, वरना भैया तुमको बहुत गंदा गंदा गाली देता, बहुत गंदा गंदा गाली देता। तो फाइनली यही सब हुआ ड्रामा, थोड़ा सा और कुछ नहीं। चलो मैं और जल्दी हम सब फैमिली मेंबर भैया भाभी सबका इंटरनेशनल टूर होने वाला है फर्स्ट टाइम, तो वो समय आने के बाद ही मैं आपको बता सकूँगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्यों जा रहे हैं। मुझे पता है, भाभी को नहीं पता है, भैया को पता है, मुझे पता है, और किसी को नहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो चीज़ मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, वो आपको समय आने के बाद पता चल जाएगा कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और जल्द ही 12 तारीख को कुछ स्पेशल है, जो शायद मतलब एक कोई जोड़ी मिलने वाला है, और बहुत ही तकलीफ, बहुत ही कष्ट के बाद वो मिलने वाला है आज फाइनली। मतलब उन लोग, अब वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो भी आपको समय आने के बाद ही पता चल जाएगा। और सालू भी मिलेगी रिया से, तो वो भी ब्लॉग आ ही जाएगा। मैं तो शायद नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा। और कल जाने वाले हैं हम लोग शॉपिंग पे, और बहुत मेरे पास कपड़े नहीं है यार, मतलब मैं क्या पहनूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आइडिया भी नहीं है कि क्या लूँ क्या नहीं। तो वो आज सर्च करेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं, वो आप देखते हैं कल क्या खरीदते हैं, क्योंकि इस बार थोड़े पैसे बचे हुए हैं मेरे पास, तो सोच रहा हूँ अपने लिए कुछ शॉपिंग खरीद लूँ, कुछ खरीद लूँ, क्योंकि मैंने ढंग से कपड़ा अभी तक नहीं लिया है। जो आप देख रहे हो यही सब मैं पहनता हूँ, आपको ही पता है मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको यही सब दिखता होगा आपको। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और सॉरी थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा इधर आता हूँ तो थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, इसीलिए बहुत सारे काम रहते हैं, एडिटिंग करना, फिर अपलोड, फिर शूट वगैरह करते करते थोड़ा दिन निकल जाता है और मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ इसीलिए। और जल्दी मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, और थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। और जो जो कमेंट करते हो, मेरा वीडियो का वेट करते हो, उससे मैं क्षमा मांगता हूँ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।